रात को स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बज रहे हैं रात के 12 बजे। आप सोच रहे होते ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। हमारे जो ज़्यादातर ना उसमें ज़्यादातर ये बनाया जाता है, क्योंकि हमारे घर पे ना आज गेस्ट आए हैं और उसके लिए हम बना रहे हैं आज कबाब। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे होला पकाया जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे चिकन आएगा, चिकन बनेगा और फिर वो हम सब आपको दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ, क्योंकि जब भी कबाब बनते हैं ना तो ये होला मैं ही पकाता हूँ, क्योंकि चिकन से ही पकाता हूँ, मतलब जल्दी पकाता हूँ। तो अभी ये पकाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या चिकन कर रहे हैं, और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली आज मैंने किया आपको ये सब दिखाने के लिए। तो उसके बाद मैं ये बनाता हूँ, फिर ये पूरा पकाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, अब ये फाइनली ये हो चुके हैं और अब ये पूरा हो चुका है, लेकिन अब थोड़ी मेरे को ये पूरा हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा पंखा मारा जाएगा, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन, जो जिसे हम कहते हैं कबाब, और फिर वो रखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं ये व्लॉग में खास आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, ताकि आप भी जान सको कि हम कैसे खाते हैं और क्या क्या खाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, वो सब हम अपने दिखाएंगे। और इसको थोड़ा सा करेंगे, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा पंखा मारेंगे, फिर सो गाइस, ये यहाँ पे अभी सीखो ये परोया जा रहा है, यहाँ पे ऐसे परोया गया है मलाई टिक्का, और ये गाइस यहाँ पे, और ये सारा परोया गया है। अब वहाँ पे हम जाके वो उसको डालेंगे, ये देखो भाई। सो गाइस, यहाँ पे अभी ये मलाई टिक्का रखा जा रहा है, ये देखो भाई। ये खास आपको दिखाने के लिए आज व्लॉग बन रहा हूँ, वो भी इतनी रात को। और ये गाइस ये देखो यहाँ पे पूरा रखा जा रहा है। अब आपको पूरा धीरे धीरे दिखाएंगे क्या क्या करेंगे। और गाइस ये, अरे भाई ये जो यहाँ पे ना मस्त अब बनाया जा रहा है। अब ये थोड़ा सा गर्म आएगा, फिर हम आपको पूरा गर्म करते हुए दिखाएंगे। चलो गाइस, ये ले भाई उर्दीप। सो गाइस, ये चार सीखे रेडी हो गई हैं, और अभी देखता हूँ भाई तेरे से पकड़ी नहीं जा रही इतना आप हल्का आता था। भाई 2 मिनट रुक जा, क्या पता अभी और भी हो गई हो। ये गाइस पूरा हो गई, और तो है ना, ये ले। सो गाइस, ये पूरा हमारा रेडी हो चुका है सीख कबाब। अब इसको खाया जाएगा, लेकिन अब ये देखो पूरा अभी 4 सीख तैयार रेडी हुई हैं, अब और भी होंगे। 4 सीख हैं, 4 स्टिक। देखो गाइस, आपके मुंह में ये तो पता है, ये आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा, पर अगर आपको खानी है तो आप आ जाओ तिलक नगर 3 नंबर गली। गाइस ये देखो पूरे रेडी, इधर यहाँ पे पूरा रेडी हो रहा है। और यहाँ पे हमारा भाई रेडी कर रहा है भाई। हेलो गाइस, भाई इसको शायद आप जानते भी होंगे इंस्टाग्राम में, मेरी वीडियो देखी भी होगी चोरालो वाली, जो एक बार ट्राई करके सुना दूं आपको। नहीं भाई, चलो भाई ले लो भाई, ये वाली सुनी होगी, मलाई टिक्का प्योर झटका 80 रुपए सीख, 80 रुपए सीख। पैसे नहीं है, चुरा लो। चुराने के बाद अगर आप आ गए ना तो फरवरी मना देंगे, यही मेरा डायलॉग है भाई। भाई जी हमारा बन चुका है, ले लो भाई, ये तू और सीखे ले ले, खुश हो के लियो। हा 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 हा, और भाई टेंशन मत ले, एक गिलास पानी ले आई होगा। और गाइस आपके तो मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं, मेरी बात सुनो भाई, अगर आपको ट्राई करनी है ना ये चीज, आप इधर है, जल्दी आओ, टाइम मत लगाओ, बस जल्दी आओ जल्दी से। सो गाइस ये बन गया अपना, और गाइस ये अपना दूसरा लग चुका है, और इसके बाद हम खा के ट्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अगर मुंह में पानी आ रहा हो ना
ट्राई करना रिक्वेस्ट। और गाइस ये आप घर पे ही बना सकते हैं, ये नॉर्मली आपको मिल जाएगा 500-600 में, आपको ये छोटा सा मिल जाएगा विद सिलाई तो 900 रुपए का मिल जाएगा। और घर पे भी आप ये सब बना सकते हो, पूरा 1000 रुपए का पहले खर्चा आ जाएगा, फिर उसके बाद सही हो जाएगा। और गाइस ये देखो ऐसे भाई आप भी घर पे बना सकते हो। और इसके बाद हम भाई अब गाइस आप खा के देखेंगे फिर उसके बाद ये जो आप और ये हमारा ये जो बना रहे हैं ना रोस्टेड ही है सब हमारी दुकान पे भी उम्मीद। गाइस ये बन चुका है पूरा और फिर उसके बाद बनाया जाएगा। गाइस ये हमारे बन चुके हैं कबाब और हम तो बाहर खाएंगे लेकिन मम्मी पापा जो है ना वो अंदर खा रहे क्योंकि हम बाहर खाएंगे और हम बाहर ही बना रहे तो बाहर खाने में कुछ अलग ही मजा है। तो चलो निकालते हैं और फिर उसके बाद खाते हैं। और हमारे साथ है ये भाई यहाँ पे ये देखो अब यहाँ से निकाले जाएंगे और ये हमारी पेप्सियां है भाई, यहाँ पे हमारी कोल्ड ड्रिंक है और यहाँ पे हमारी दही सलाद और ये रोटी और कबाब। आपको ये बाहर का एरिया देख लेगा, ये देखो भाई पूरा मस्त खुला एरिया है और यहाँ पे अपना खाया जाएगा भाई, भाई चल निकाल मेरी बात चल निकाल भाई और नींबू खिड़ छिड़क। नींबू तो भाई मेरे अंदर ही रह गया है। और ये देखो भाई मेरे ना आस नहीं जलते कुछ भी, मैं गरम गरम अपने हाथों से ही निकालता हूँ। और मस्त ये निकाला जाएगा और उसके ऊपर नींबू छिड़का जाएगा। चलो भाई और ये हो गया और अब हम इसको खाएंगे फिर उसके बाद हम इसको बाद आपको मिलेंगे और व्लॉग एंड करेंगे। सो गाइस फाइनली हम अपना खा पी के पूरा रेडी हो चुके हैं, जो कि आपने हमारा देखा कि हम कैसे कबाब बनाते हैं। हम मतलब हमारे में तो कबाब कहते हैं, आप में शायद चिकन टिक्का कबाब कहते होंगे, वही सेम बात है। हम ऐसे बनाते हैं, हमारे जो काबली है ना ज़्यादातर यही खाते, कोई भी त्यौहार हो कुछ भी हो ना तो ज़्यादातर यही बना के खाते क्योंकि हम सबको यही पसंद होता है। और आज आपने ये देख ही लिया कि कैसे बनाते हैं कैसे खाते हैं। और अगर आपको भी पसंद आए तो आप भी पूरा घर बना सकते हैं, किसी किसी के घर में होगा भी और किसी के भी नहीं होगा। और जो आपने देखा ना कि हमने होला पकाया फिर उसके बाद वो किया, लोग गैस पे भी कर सकते हैं, हम गैस पे भी कर सकते थे लेकिन जिसका जो मज़ा है ना जो उसके धुआं निकलता है फिर वो आग जलती है वो उसमें ना उसका टेस्ट आता है, एक ऐसा आनंद आता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वो वीडियो और हमने कैसे बनाया वो भी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।